हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ की। 180 वीडियोज़ तो आपको देखने को मिलेगा ही यहां पे, पहली बात। दूसरी बात, टॉप 50 के जो वीडियो मिलेंगे ना, वहां पे एक्स्ट्रा वीडियोज़ होंगे, इसे 2-3 बार आपको देख लेना है आगे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए, 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये 1948 से चलता आ रहा है। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्लियामेंट पासेस बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डैश इनटू 1, यानी कि 3 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्हें मर्जर कर दिया जाएगा और मर्ज कर एक बना दिया जाएगा। तो देखिए, ये काम होने वाला है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसे जो है लोकसभा से बिल पारित कर लिया गया है, और ये तीनों अब एक में मर्ज हो जाएंगे। और इस बिल का नाम देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, 2022 में ये किया जा रहा है, और राज्यसभा से अप्रूवल लेने के बाद जो है ये वॉइस नोट से पारित कर लिया गया है राज्यसभा से, लोकसभा में अब ये पारित होगा। यानी कि एक और बात देखिए, क्वेश्चन मुझे याद आ गया दिमाग में फटाफट, राज्यसभा में टोटल एमपी कितने होते हैं नीचे कमेंट करके बताइए, और लोकसभा में कितने एमपी होते हैं नीचे कमेंट करके बताइए आप। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट रिवोक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन अप्रैल 1, यानी कि 1 अप्रैल को इस कंट्री पे इमरजेंसी लगा दी गई थी, वो अब हटा ली गई है, इसे जो है रिवोक कर दिया गया है। तो ये काम हुआ है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल में। तो देखिए, ये काम हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका में आपको पता ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी आई थी क्या, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी ये कंट्री जो है बर्बाद होने के कगार पर है, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉइंग वाले सिचुएशन में ये है। यहाँ से देख लीजिए, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए, ये फोटो आप देख पा रहे हो, किन की फोटो है ये, गोटबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट थे ये, अब है नहीं। श्रीलंका में इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही है कि आप कुछ भी जीके वगैरह याद करो तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अंत तक आप श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पे नज़र रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट योगा महोत्सव एट रेड फोर्ट ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है योगा महोत्सव यहाँ पे रेड फोर्ट पे मनाया जाएगा, किस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयुष मिनिस्ट्री। यहाँ से आप देख पाओगे फोटो, ये देख लीजिए, यहाँ पे रेड फोर्ट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ लोग आपको योग करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएन क्लाइमेट साइंटिस्ट वार्न दैट वर्ल्ड में बी ऑन अ ट्रैक टू वार्म बाय मोर देन डैश, देखिए कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। यूएन में जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है ना, उन्होंने वार्निंग दी है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना होगा इन फ्यूचर। 2 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर बढ़ने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है 3 डिग्री सेल्सियस। आपको लग रहा होगा 3 ही डिग्री तो है, झेल जाएंगे, लेकिन याद रखिए डे बाय डे टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर का बर्फ पिघलेगा समडे, और पूरी जो अर्थ पे जो भी बचे हुए हैं लोग ना, सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को आज से ही पेड़ पौधा वगैरह लगाना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना दे दूँ, 499 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आप परचेज कर पाओगे। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। याद रखिए, आर्मी स्कूल के CSB के लिए आखिरी जो 35-40 दिन बचे हैं उसमें अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी पे मैसेज कर लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा फर्स्टली। सेकेंडली, 100 रुपीज़ में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको यहां से दिख रही होगी। आगे देखते हैं, यहां से ये रहा क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री बीट मलेशिया 4-0 टू रजिस्टर 3rd कंसेक्यूटिव विक्ट्री इन FIH वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप। मलेशिया को 4-0 से हरा कर FIH की जो महिला जूनियर टीम है, तीसरी दर्ज जो है किसने कराई है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना ने? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ देख लीजिए, इंडिया ने ये काम किया है, और इंडिया की जो महिलाएं हैं ना, एक्चुअली महिला टीम,
उन्होंने ये काम किया है। इंडिया की लड़कियों ने 4-0 से मलेशिया को हरा दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु, देखिए ये तो बहुत ही लो जीके है, इसे रहने देते हैं। रिसेंटली विच इंडियन बॉक्सर एडवांस टू सेमीफाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन, थाईलैंड ओपन पे जो है ना किसने एडवांस की है, एक्चुअली आपको बताना है कि उन्होंने सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर लिया है, वो कौन है? शिव, निशांत, सुजीत, संजीत या सुमित? तो इसका जो राइट को आंसर होगा वो होगा सुमित। सुमित ने जो है क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे, इंडियन बॉक्सर सुमित एडवांस टू सेमीफाइनल्स। और इन्होंने जो है किसको हराया था यहाँ से भी आप देख पाओगे, देखिए ये जो है सेमीफाइनल जो है गौरव चौहान का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम क्या है? पीयूष गोयल। याद रखिए ये जीके में पूछा जा सकता है। ये 3-डे विजिट के लिए किस कंट्री गए हुए थे? चाइना, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख सकते हो आप, मेलबर्न, यानी कि ये कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया ये गए थे। और याद रखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कहाँ क्वाड का भी पार्ट है, याद रखिएगा क्वाड के पार्ट में 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है, इंडिया तो है ही इसमें। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्रीज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर क्विट्स आफ्टर 1 डे, एक दिन के लिए ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने और इन्होंने अपना रिजिग्नेशन सौंप दिया? पाकिस्तान, श्रीलंका, क्यूबा या ईरान? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, श्रीलंका में मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आगे पीछे हो रही है, जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाके उससे पहले वाले दिन ना, एक्चुअली एग्ज़ाम के सुबह वाले दिन भी एक बार चेक कर लेना गूगल पे कि कौन प्रेसिडेंट, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है। यहाँ पे चीज़ें इतनी रैपिडली बदल रही है कि यू कांट इमेजिन व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसको ज़रा गौर से देखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। ABD यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया है कि ये कितना होने वाला है, ग्रोथ इसकी कितनी होगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 7.5, 2.2, 8.9 या 5.1? तो इसका जो राइट आंसर है 7.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट या फिर नोटबुक में इसे लिखते जाइए। द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक्स हाउ मेनी यूट्यूब न्यूज चैनल? तो देखिए 22 न्यूज चैनल है यूट्यूब है पाकिस्तान के, जिसको ब्लॉक किया, कुछ इंडियंस भी थे जो कि हेट स्पीच और इंडिया के खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, तो हम लोगों ने अपने कंट्री से इसे बैन कर दिया है। डिस्पाइट सेंक्शन ऑन रसिया ऑयल, विच वेस्टर्न कंट्री इंक्रीज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया बाय 43% लास्ट वीक? देखिए ये है हमारा सबका चौधरी यूएसए, ये सबको ज्ञान देगा कि रसिया से ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, हज़ार तरह के ये सेंक्शन लगाएगा, लेकिन चुपके से अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर लेगा। इतना घटिया कंट्री है, याद रखिए आप यूएसए पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हो। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI आइडेंटिफाई हाउ मैनी न्यू जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट? तो देखिए 2 हेरिटेज साइट इन्होंने जो है डिस्कवर करा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, बहुत पसंद आया तो शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन आपको दबा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।